नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रोफेसर एचएल मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय में 100 पेड़ लगाने की मुहिम प्रारंभ। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज प्रोफेसर एचएन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कानपुर में प्राचार्य समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों एवं एमएड प्रशिक्षु तथा विद्यार्थियों की सहभागिता से महाविद्यालय में 100 पेड़ लगाने की मुहिम प्रारंभ की गई है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सरोज कुमार जायसवाल ने पेड़ों का महत्व बताते हुए प्रचार को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया। तत्पश्चात महाविद्यालय के प्राचार प्रोफेसर मनोज कुमार प्रजापति ने इस अवसर पर कहा कि हरियाली से ही जीवन में खुशहाली आ सकती है। साथ ही उन्होंने समस्त देशवासियों से अपील किया कि पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने वाली गर्मी को पेड़ द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर मनोज कुमार प्रजापति के साथ डॉक्टर पूर्णिमा पांडे, डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास, नीरज कुमार चौधरी, डॉक्टर रितंभरा श्रीवास्तव, विमलेश शर्मा, गौरी शर्मा आदि समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कानपुर से संदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार प्रजापति, प्राचार्य प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कानपुर। सर, आज आप लोग के द्वारा किस तरीके कार्यक्रम किया गया? आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक पौधा माँ के नाम पर DWTC के इंटर्न्स जो प्रशिक्षु हैं वो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने आए, उनके द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। लगभग कितने पौधे लगाए? कानपुर में टोटल 23,000 पौधे लगने, जिसमें से हमारे महाविद्यालय द्वारा 100 पौधे का पौधारोपण किया जा रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे महाविद्यालय द्वारा यह संदेश है कि हरियाली फैलाएँ और खुशहाली लाएँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये है कि सभी से मेरा निवेदन है कि कानपुरवासी और राज्य देश के सभी देशवासी पौधारोपण करें और हरियाली फैलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग सही से हरियाली और ऑक्सीजन दे पाएँ।